हाँ, तो आज मैं जो है ना बहुत ही खास वीडियो लेकर के आई हूँ। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो पूछना ये था कि क्या किसी को इंस्टेंटली अपनी हाइट बढ़ानी है, मतलब जिसकी हाइट छोटी होती है उनको शौक होता ना कि मेरी हाइट जरा 2-3 इंच और लंबी होती तो मैं अच्छी और होती। तो जिस जिसको जो है ये इच्छा हो रही है, ये ख्वाहिश पैदा हो रही है मन में कि इंस्टेंटली बिना खर्च किए मेरी हाइट बढ़ जाए, हाँ ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट जो है लॉन्च करने आई हूँ या प्रोमोट करने आई हूँ किसी प्रोडक्ट को। ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो है वो लाई हूँ, प्रॉब्लम का सल्यूशन, मैं यानी कि हाइट बढ़ाने की दवाई, आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन। वीडियो देखिए, वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और गौर से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, बता रही हूँ। वीडियो देखिए। की हाइट बढ़ रही है ना बाबा जी? मेरी भी बाबा जी इतनी। अच्छा, आंखें बंद, इनकी 2.5 से 3 इंच लंबाई बढ़ाने की स्मृति डाल दीजिए, इच्छा विचार से कर दीजिए। ओम कह रही तो बढ़ानी पड़ेगी। ओम बढ़ा दीजिए 2.5 से 3 इंच लंबाई। ओम शिव सक्रिय कर दीजिए, स्मृति आगे रखी जाए, पीछे भी रहे तब भी स्मृति सक्रिय रहेगी, लंबाई बढ़ा दीजिए, बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए। अब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप लंबे हो गए हैं और वही स्मृति आपकी आपको लंबा करेंगी। कैसा लग रहा है? हैं? लग रहा है कि मैं लंबी हो रही हूँ। हाँ जी, तो वो स्मृति आप में आ गई है, अब यही स्मृति आपको लंबा करेगी, 5-6 महीने में लंबी हो जाएंगी। हाँ, तो देख लिया। तो अब जिस जिसको भी अपनी हाइट बढ़ानी हो इंस्टेंटली और यानी कि एकदम फौरन फौरी तौर पर और फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ज़रूर आजमा कर देख सकती हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ठीक, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हाँ, हाइट ज़रूर नाप लीजिएगा बढ़ने से पहले। ठीक, तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जी हाँ, उसके बाद हुआ यूं कि नोएडा से एक डॉक्टर साहब आए और उन्होंने जो है भरी सभा में बाबा जी को चैलेंज कर दिया कि अब जो है आप जो वो आत्मा निकालते और डालते हैं तो आप वो चमत्कार करके दिखाइए, और जैसा कि लाइव चल रहा है, भरी सभा है सबके सामने, आप ये चमत्कार करके दिखाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन जैसे बाबाओं को जो है डर नहीं लगता, जी हाँ, चुनौतियों से डर लगता है। पहले भी एक धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी थे जो अपना झोला उठाकर चुनौती के डर से ही भाग खड़े हुए थे, याद है ना? ना भूल गए? खैर, याद दिला दिया मैंने। तो हाँ, इन जैसे बाबाओं को ना चू से डर नहीं लगता, चुनौतियों से ही डर लगता है। बस क्या था, बाबा जी के जो गुंडे थे अच्छे से जो डॉक्टर साहब की इज्जत अफजाई कर देते हैं। अब डॉक्टर साहब की इज्जत अफजाई जो है बाबा जी के गुंडे क्यों ना करें, ये डॉक्टर साहब जो है भरी सभा में चैलेंज कर देते हैं और उनकी दुकान बंद होने की संभावना हो जाती है। बाबा जी अपना खर्च कैसे चलाएंगे और अपने जो ये जो पालतू रख चुके हैं उनको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ता ना, तो दुकान बंद हो जाती ना इस तरह से। तो बस डॉक्टर साहब की बहुत ही अच्छे तरीके से इज्जत अफजाई हो गई, जैसा कि आप पिक में देख ही रहे हैं। जी, वैसे डॉक्टर साहब को मार खानी ही थी, जब वो जानते थे, उनको पता ही था कि ये सब जो है बेवकूफ और किस तरह से लोगों को ठगबाजी वाला धंधा ये जो चल रहा है, तो फिर जाकर उनके ही महफिल में भरी सभा में इस तरह से चैलेंज करने की क्या जरूरत थी, ये दुर्गत तो उनका होना ही था, है कि नहीं? खैर, बाबा जी पर जो है वो FIR हो चुका है, लेकिन ये FIR ये सब जो है एक समझाने वाली बात होती है, FIR से क्या होता है कि नहीं, है ना? तो चलिए वीडियो देख लेते हैं बाबा जी और डॉक्टर साहब के बीच का वाद अलग। तो कई मित्रों ने और मेरे भाई ने बताया कि एक बार आप वहां जाइए तो कुछ वहां चमत्कार होते हैं, तो मैं आपका चमत्कार देखने के लिए आया हूं आज। यहाँ चमत्कार तो कोई होता नहीं है, यहाँ जो होता है सब नियम से होता है जी, है ना? तो बस आपकी कृपा हो तो आपका आशीर्वाद मिल जाए, और महादेव का आशीर्वाद तो रहता ही, मतलब सबके साथ होता ही है बिल्कुल, क्योंकि सब महादेव के बच्चे हैं, तो आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सब सही हो जाए शायद। बिल्कुल, सब अच्छा होना। अब अच्छा, आप लोग अच्छे हैं ही, समझ रहे हैं जी, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे होना थोड़ा जो रह गया बाकी वही अच्छा हो जाएगा जी। ठीक है, अच्छा, कुछ मित्रों ने मेरे ये बताया और भाई ने ये बताया कि भाई ये मौलाना का चक्कर क्या है, ये तुम्हारे अंदर कोई मौलाना है, आत्मा तो नहीं घुस गई है? तो मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैंने कहा कि मैं देखूंगा जाके मैं कि भाई क्या है मामला। हाँ, आप बोलते हैं। तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है और कैसे जो है उसके बाद कैसा महसूस किया जाता है,
उसको मैं महसूस करना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है। अच्छा है, महसूस कर लेंगे, समय पे आइएगा फुर्सत में। नहीं तो और नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ चैलेंज कर रहे हो। चैलेंज कर रहा हूँ बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? ये चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आपको चमत्कार। क्या दिखाए? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दे भैया? आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भैया आपने आत्मा निकाल दिया और मौलाना निकाल दी। हाँ, उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा हाँ, चलो उनसे भी पूछ लेंगे। पूछ लो, पूछ लेंगे। हाँ हाँ, उसे पूछ लो ना। ठीक, धन्यवाद। इसकी निकली है? ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा लगा। तो हाँ, देख लिया दोनों वीडियो मैंने दिखा दी। वैसे जरूर बताइएगा कि आपके लिए सबसे जबरदस्त पार्ट इस वीडियो में कौन सा रहा। मेरे लिए तो वो पार्ट सबसे जबरदस्त रहा जब वो औरत बोलती हाँ बाबा जी मेरी तो हाइट बढ़ गई, ये सबसे जबरदस्त वाली थी मेरे लिए। खैर, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जी हाँ, और हाइट जो है बढ़ने से पहले अपनी हाइट नाप लीजिएगा, फिर जो है उसके बाद कितनी बड़ी वो भी डिटेल बताइएगा, ठीक ना। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।